पाकिस्तानी हैकर्स ने लगभग 10 शिक्षण संस्थानों की वेबसाइट हैक कर ली है। इनमें से कई खबर लिखे जाने तक हैक हैं, जबकि कुछ वेबसाइट को रिस्टोर कर लिया गया है। हैक की गई वेबसाइट्स में देश के टॉप संस्थान शामिल हैं। इनमें ज्यादातर वैसे संस्थान हैं जो आर्मी और डिफेंस से जुड़े हैं। हैक की गई वेबसाइट्स में IIT दिल्ली, IIT भुवनेश्वर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरीज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट शामिल हैं। हैकर्स ने इन वेबसाइट्स को हैक करके उन पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। इसके अलावा कश्मीर के बारे में भी लिखा गया है। हैक की गई वेबसाइट में ज्यादातर आर्मी और डिफेंस से जुड़ी शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इन वेबसाइट्स की हैकिंग का दावा पाकिस्तान के PHC ग्रुप ने किया है। आपको बता दें कि पिछले साल इसी हैकर ग्रुप ने ही भारत की लगभग 7,100 वेबसाइट्स को हैक करने का दावा किया था। क्यों इतनी आसानी से हैक हो गई ये वेबसाइट्स? जवाब साफ है। हैक की गई लगभग सभी वेबसाइट्स में HTTPS नहीं है और ये SSL से सिक्योर नहीं है। ऐसी वेबसाइट्स को हैक करन के लिए किसी हैकिंग सर्टिफिकेट या फिर ब्लैक हैट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। इन वेबसाइट्स को वो स्क्रिप्ट किडज भी हैक कर सकते हैं जो गूगल से फ्री टूल के जरिए हैकिंग करते हैं, और मुमकिन है इन हैकर्स ने भी ऐसा किया होगा। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पिछली बार जब भारत की कई वेबसाइट्स हैक हुई थी, इसके बाद न कोई जांच रिपोर्ट आई और न ही उन वेबसाइट्स को सिक्योर किया गया है। वेब्स इट हैक होने के बाद जानकारियां लीक होने की संभावना है। स्टूडेंट्स की जानकारी या फिर कॉलेज के खास एप्लीकेशन के बारे में जानकारी चोरी होने की संभावना है। स्टूडेंट्स से जुड़ा डेटाबेस भी चोरी होने की पूरी संभावना है। कई बार हैकर्स वेबसाइट को हैक करके उसके डेटाबेस को करप्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर वेबसाइट के ईमेल सर्वर पर सेंध लगाने में हैकर्स कामयाब होते हैं तो वेबसाइट से जुड़ी तमाम ईमेल आईडी और पासवर्ड्स हैकर्स के पास होंगे। इसके अलावा आउटलुक डंप फाइल के जरिए पुराने कन्वर्सेशन में सेंध लगाई जा सकती है। इन संस्थानों की वेबसाइट्स हैक की गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली, IIT भुवनेश्वर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता और बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस। यह कहना है पाकिस्तानी हैकर्स का। इस कथित पाकिस्तानी हैकर ग्रुप ने अपने फेसबुक पेज पर हैक की गई सभी वेबसाइट्स के लिंक पोस्ट किए हैं। इस फेसबुक पोस्ट में कश्मीर के बारे में लिखा गया है। इस कथित हैकर ग्रुप में पोस्ट में लिखा है कि यह हैकिंग कोडमैन द्वारा की गई पाकिस्तानी रेलवे की वेबसाइट हैकिंग के बाद की जा रही है। साथ ही इंडियन आर्मी द्वारा कश्मीर लोगों के मारे जाने के खिलाफ भी ये हैकिंग की गई है। खबर लिखे जाने तक सूचना मंत्रालय का कोई बयान नहीं आया है, इसलिए अभी यह भी साफ नहीं है कि इन तमाम वेबसाइट्स का फ्रंट एंड हैक किया गया है या बैक एंड यानी सर्वर में सेंध लगाई गई है। यह भी साफ नहीं है कि ये हैकर्स ने डेटा चुराया है या नहीं।